मैं खुद मालिक हूँ, खुद अपने फ्री हूँ काम के लिए, और किसी भी अच्छी कंपनी से तनख्वाह जो मिलती है उससे अच्छा कमा लेता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, इंडियन फार्म रोवर यूट्यूब चैनल पर मैं परा सबसे भाइयों का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सारे मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाइयों, आज मैं आ गया हूं हापुड़ उत्तर प्रदेश चिराग एग्रो फार्म, जिसके ओनर हैं देवेंद्र जी, जो पिछले काफ़ी टाइम से गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे काफ़ी शानदार, काफ़ी अच्छे एरिया में अपना गोट फार्म बना रखा है। अभी इनके पास में सिरोही, अजमेरी और गुजरी नस्ल की बकरियां हैं। पहले इनका फार्म राजस्थान में हुआ करता था, राजस्थान से इन्होंने उत्तर प्रदेश में फार्म शिफ्ट किया है। तो चलिए, मैं जाता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ आपको देवेंद्र जी से और कराते हैं इनके शानदार फार्म का छोटा सा टूर। तो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है फार्म, जैसे कि आप देखते हो चिराग एग्रो फार्म, इन्होंने यहाँ अपना बोर्ड लगा रखा है और ये बाउंड्री कर रखी है, और पक्की बाउंड्री है, ईंटों की बाउंड्री कर रखी है। काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट हो रखा है। तो चलते हैं गेट के अंदर। नमस्कार जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। सबसे पहले माइक लगा लीजिए अपने कोलर पे। आपका भी स्वागत है चिराग एग्रो फार्म पे। तो सर, आज आपके फार्म पे आए हैं जी, और काफ़ी शानदार आपका फार्म हमने देखा था। सबसे पहले छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं देवेंद्र कुमार, बदनोली, ग्राम बदनोली, हापुड़, मोदी नगर रोड से। जी 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 जी। बेसिकली मैं रहने वाला तो दिल्ली का हूँ जी, पर मेरा एक शौक था राजस्थान से लगा। अच्छा। और फिर इस फार्म को मैंने यहाँ पे लाया। लाने के साथ साथ इसमें इन्वेस्ट करने का जो मकसद था वो ये था कि सेफ्टी पहले चाहिए। मैं वही चीज़ देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छी आपने बाउंड्री कर रखी है। क्या हाइट होगी इस दीवार की? ये सर, हाइट तो इसकी 8 फुट से 9 फुट तक है हाइट, और उतनी ही नीचे है कि एक्चुअली ये ज़मीन थोड़े गड्ढे में थी। अच्छा, तो अच्छा। नीचे तो क्या मतलब कुछ सेफ्टी इशू रहते हैं कैसे एरिया में? सेफ्टी इशू देखो वैसा ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी अपने हिसाब से तो हमें रखना ही पड़ेगा। जी जी। मेनली क्या है कि हम निश्चिंत होकर सो सकें। अच्छा अच्छा। हाँ। टेंशन फ्री होके। बिल्कुल, बिल्कुल। जी 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 जी। तो सर, जैसे कि आपने ये फार्म बना रखा है और मैं देख रहा हूँ शेड भी काफी अच्छे तरीके से बनाया है, सीमेंट की चादर का प्रयोग किया है जी जी। और पक्के लोहे का काम हो रखा है। सबसे पहले तो अपना आप पास्ट लाइफ के बारे में बताइए, इससे पहले क्या करते थे, कैसे इस चीज में आ गए? सर, एक्चुअली मेरा था क्रेशर पार्ट्स का काम। अच्छा। क्रेशर पार्ट्स में कन्वेयर बेल्ट का जी। और मैं राजस्थान में 15 से 17 साल हो गए मुझे। अच्छा। मैं वहीं पे वर्क करता था, वहीं मेरी फैक्ट्री थी जी जी जी। अब धीरे धीरे उस काम का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होने लग गया, जिसकी वजह से फिर मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। अच्छा, बंद ही कर दिया आपने काम? हाँ, वो काम फिर मैंने छोड़ दिया जी। वहाँ पर ही मैंने ये बकरी के बारे में देखा था जी। वहाँ पर मैं एक्चुअली, वहाँ मुझे 2-2.5 साल पहले मैंने वहीं खोला था जी, और जी। साल भर मुझे यहाँ पर हो गया खोले हुए, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराई काम। अब शिफ्ट कराया आपने जी? हाँ। अच्छा, मैं दर्शकों को दिखा दूँ, काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने लिए स्पेस ही बना रखा है, लेबर रूम भी है इसके अंदर, और इनका अपना पर्सनल रेजिडेंस भी है। ये हमने अपने रहने के लिए बनाया हुआ है, वे इनके दाने का रूम है जी। एक्चुअली क्या है कि हम सीजन के हिसाब से ही खरीद के रखते हैं, दाना स्टॉक करते हैं। चलो उसके ऊपर बाद में आएंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जैसे 3 नस्ल की गोट्स हैं, ठीक है, गुजरी हैं और सिरोही हैं, और मैं दूसरी, मेरे को तीसरी अजमेरी लग रही है ना जी। जी, इसमें एक्चुअली चारों कॉन्सेप्ट हैं सिरोही के जी। जो हम कह सकते हैं कि गुजरी है जी, अजमेरी है जी, नागौरी है जी, जी। ये चारों हैं इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मदर लाइन इनकी सिरोही है। अच्छा। हाँ, जहाँ तक क्रॉस ब्रीड एक तरीके से कह सकते हैं ये समलोक, जो सिरोही से अलग जो अजमेरी है, गुजरी है, ये क्रॉस हो गई है। सिरोही से वाइटपन आ गया, अजमेरी में आ गया, वाइटपन में हो गई जी, तो वो गुजरी में आ गई। तो ये मतलब ये आपने वहाँ शिफ्ट करी है राजस्थान से? ये हाँ, ये मेरी खुद की अपनी गोट थी, कुछ बच्चे मेरे यहाँ तैयार हुए हैं, कुछ वहाँ से हैं। तो जैसे वहाँ पे ज्यादा गर्म क्लाइमेट है, हाँ। तो क्लाइमेट चेंज हो, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। लोग बाग कहते हैं अरे भाई वहाँ तो गर्मी में रहते हैं इसमें जी, जी। मैंने पहले अजमेर से ली थी जी, गाँव से जाके खरीदी हुई है मेरी खुद ही, फिर मेरे यहाँ अपने कोटपुतली में थी, वहाँ भी रही है फार्म पे मेरे, और अब यहाँ पर है, और क्लाइमेट में कोई ज्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। नहीं है जी जी। सर, ऐसे आपने बताया आपका काम क्रेशर पार्ट्स का था, अच्छा काम चल रहा था, वो किसी कारण वो बंद कर दिया आपने। अब गोट फार्मिंग ही को चुना, लाइफ स्टॉक तो बहुत सारे हैं, ठीक है, पिग फार्मिंग है, पोल्ट्री भी करते हैं लोग, और इवन जितना आपका लैंड है, कितना लैंड है ये? 3.5 बीघा। अगर 3.5 बीघा में आपने ढंग से ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग कर ली तो उसमें काफी अच्छा रिटर्न है, ठीक है ना, और दिल्ली आपके नजदीक है, यहाँ पे ज्यादा दूर भी नहीं जी। तो आपने इसी को क्यों चुना? एक्चुअली क्या है कि मैंने, मैं वहाँ पर स्टार्ट किया था, वहाँ मेरा छोटा फार्म था राजस्थान में जी जी। तो
मेरे को उसमें वही चीज सूट करी, अच्छा पक्का बना हुआ था वो, फर्श वगैरह था तो उसमें और कुछ कर नहीं सकता था मैं। मैंने गॉट का काम शुरू करा वहाँ, फिर करा हाँ वहाँ शुरू कर दिया और काम प्रॉफिटेबल है, अच्छा है। और फिर दूसरे जानवरों से प्यार है हमें, तो इस वजह से मैंने फिर इसी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया। थोड़ा आपको शेड में भी चलेंगे और दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे आपने बना रखा है, ठीक है। दोस्तों देख सकते हैं अभी रेस्ट का टाइम है और टेम्परेचर अभी गर्मी नहीं आई है, ये इतनी गर्मी नहीं है यहाँ पे, अभी काफ़ी अच्छा मौसम है। और अंदर आ गए हम, यहाँ पे इन्होंने सर ने पक्का कर रखा है, कंक्रीट का है, ठीक है। और अंदर देखते हैं सर, यहाँ पक्का कर रखा है आपने? ये एक्चुअली पक्का करने का कि यहाँ की जो मिट्टी है जी वो चिकनी है। अच्छा अच्छा हाँ, उसके अंदर इनके खुर जो ना अंदर चले जाते थे, अच्छा घुस जाते थे, अच्छा, इनको परेशानी हो गई जी, तो जी, इस वजह से हमने ये चीज इसकी पक्की करवाई जी। और फिर उसके बाद में हमने ये अंदर का जो अपना एरिया है इनका जी, वो हमने ये हमने कच्चा करवा रखा है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जो रात में इनका जो पेशाब वगैरह है, जो वेस्ट है जी, वो इसमें चला जाता है। अच्छा, तो अब ये कच्चा अंदर का है ना जी, ये पूरा कच्चा करा रखा है हमने जी 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 जी। क्या साइज है शेड का? इसका 20x150 फीट का शेड है ये, 20x150 जी। तो ऊपर जैसे सीमेंट की चादर है और एक अच्छा पैसा यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, इन्वेस्ट हुआ हुआ। एक्चुअली क्या है कि जुगाड़ में हम काम नहीं कर सकते इसको। आप चाहे कि हाँ, कुछ लोग देखे हैं कि भाई मैंने तो ऊपर से छप्पर डाल दिया और बांस लगा दिए, उसके अंदर काम स्टार्ट कर दिया, आप उसको परेशानी का बना सकते हो अपने लिए जी। और सर आपका सबका अपना बजट भी तो है सर, बजट का तो मैं बोलता हूँ, आप देखिए जो भी आपका बजट है उसमें से एक हिस्सा आपको शेड के लिए निकालना पड़ेगा जी जी। आखिर आप अच्छी ब्रीड, बड़ी ब्रीड ले रहे हो जी जी। तो उसके लिए आपको शेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो हर दूसरे दिन ये बांस तोड़ देगी। अब आप काम करोगे या उनके बारे में लगे रहोगे? सही बात है, मतलब एक तरफ से मेंटल पीस ऑफ माइंड मिल जाएगी कि भाई मेरा पक्का है, डिस्टर्ब रहोगे इसके अंदर। नहीं सही बात है जी 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 जी। तो इस वजह से हमने वहाँ पर एक्सपीरियंस ले रखा है, तो हमने अब इसको इस तरीके से बनाया कि अब ये आराम से सुविधाजनक रह सकती है। पर मैं ये मानता हूँ ना कि आपको एक्सपीरियंस है जी, जी, आपको काम करना ही था ये जी, आपको ट्रायल नहीं चलना है यहाँ पे, आपको ये परमानेंट काम करना है जी जी। तो उसमें और एक नया करने वाले में फर्क होता है जी, ये तो है। अब हमने जो कर रखा है, हमने जो बनाया, हम तो दूसरे से भी कहते हैं, यही सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए, आप जानवर कम कीजिए, इनकी पहले सबसे पहले इनका ब्रेस्ट वाला एरिया जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर ये जी आराम से बिना स्ट्रेस के रह सके जी जी। नहीं तो आप ये रहेंगे, जानवर आपका दुखी रहेगा जी जी जी, जी। और बीमार पड़ेगा बार बार। सर मैं एक चीज देख रहा हूँ, आपके जो एनिमल्स हैं ये गोट्स हैं, काफी अच्छी शाइन है इसके ऊपर जी, और मतलब दिख रहा है, और उनके पेट ऐसे फूले हुए जैसे पता नहीं कितना उन्होंने खा लिया हो, ठूस लिया हो। नहीं एक्चुअली खा भी लिया है और ये सारी प्रेग्नेंट है। अच्छा ये प्रेग्नेंट हैं? ये प्रेग्नेंट हैं, इनका खाने का टाइम दोपहर का था, वो हो गया इनका, अब इनको शाम को डलेगा ये। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमारे जैसे ये बच्चे हमारे यहीं पे तैयार हुए हैं। अच्छा हाँ जी जी, तो हमारा एक ब्रीडिंग सेटअप भी लगा लो, ट्रेडिंग भी करते हैं हम, बकरियां भी देते हैं, ला के भी दे सकते हैं हम कोई अच्छा को जानवर। तो मतलब आपने सेक्शन बांटे हुए हैं, यहाँ पे आपकी प्रेग्नेंट गोट्स हैं और वहाँ मैं देख रहा हूँ ब्रीडर हैं सारे, है ना? ये मेरे ये इसमें ब्रीडर और प्लस में ईद के लिए जो तैयार हो रखे हैं बच्चे। अच्छा अच्छा, खस्सी जो है, खस्सी बकरे हैं ये जी। उधर में वो सोजत का हमने बना रखा है, सोजत का भी है वहाँ पे यूनिट, वो सोजत का सेक्शन है जी जी, जी, जी। डिमांड हर तरीके की आती है, वहाँ भी थे हमारे जी जो ग्रुप में जुड़े हुए थे यूपी के, ऑलरेडी थे मेरे पास में जी जी। तो अब धीरे धीरे संपर्क उसका होता जा रहा है और एक से दूसरे पे चल रहा है, लोग फार्म देखते हैं जी, पता लगता है कि भाई फार्म भी बना सकते हैं। नहीं मैंने कर सकते उत्तर प्रदेश में मतलब अभी अच्छे अच्छे फार्म कवर करे हैं पहले जी, आपका भी मेरे को बहुत अच्छा लगा फार्म भी पर्सनली, क्योंकि आपने लिखता है यहाँ पे इन्वेस्ट आपने कर रखा, आपने यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री भी अच्छी खासी है, स्टॉक कर रखा है आपने। तो सर जैसे कोई काम होता है हम उसमें इन्वेस्ट तभी करेंगे इतना जब हमें प्रॉफिट आ रहा हो, मतलब राजस्थान में आपने प्रॉफिट लिया है तब आपने यहाँ पे आके। मैंने यहाँ पर जो स्टार्ट किया वो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके स्टार्ट किया हुआ है जी जी। और बिना प्रॉफिट के सर कोई भी पैसे इन्वेस्ट क्यों करेगा? बिल्कुल सही, मुझे वहाँ पर इसका लगा हुआ है, स्वाद आया हुआ है जी जी। तो जाके मैंने उसको 1000 जगह छोड़ के आज मैंने 3000 गज में ये बना रखा है। ये इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट इसलिए किया हुआ है कि मैं इसको अब कमर्शियल तौर पे लेके चल रहा हूँ मैं। अच्छा, वहाँ मैंने स्टार्टिंग 10-15 बकरियों से ही शुरू करी थी जी जी। आज मेरे पास में
यहाँ पर लाइव जो खड़े हैं 125 से ऊपर होंगे, 125 से 150, हाँ, बच्चे मिलाएं तो 150 पहुंच जाएंगे। जी 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 जी। तो और इतने हम बनाए रखते हैं जी, इसमें से बिकते रहते हैं, नए आते रहते हैं, इस तरीके से सेल परचेज का काम चलता रहता है। तो ये बताइए कि आप ब्रीडिंग पे कर रहे हैं फोकस या सेल परचेज ट्रेडिंग ही हो रही है यहाँ पे? मेरा दोनों ही काम है, क्योंकि यहाँ मैं प्रेग्नेंट भी देख पा रहा हूँ, बता रहा प्रेग्नेंट है यहाँ पे, तो उसका मतलब ब्रीडिंग भी करा रहे हैं आप यहाँ पे? हाँ, है ना, मेरे यहाँ खुद की ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, बच्चे होते हैं इनके, जितनी मेरे यूज़ के हैं मैं अपने रखता हूँ, बाकी मेरे पास में बच्चे लेने आते हैं, जैसे यहाँ भी शुरू हो गए हैं, हम 3 महीने से 4 महीने का बच्चा जी जी बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा। और कुछ बच्चे जो हम अपने खुद अपने ईद के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। मैं आगे आपको दोस्तों दिखाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेंट्री भी है इनके पास, इनके पास भूसा है और शायद ये ग्वार का भूसा है, है ना? एक्चुअली ये मूँगफली का और मोठ का है। अच्छा। हाँ जी जी। ये हम ये हरी पत्ती लगाई हुई, इसके अलग ही शेड बना रखा है इन्होंने, और यहाँ ये हमने ये इसलिए ये टीन का बना रखा है, ये मेरी वहीं की चद्दरें हैं जी जी, जो मैं उतार के लेके आया। अच्छा, यहीं ले आया? उतार यहीं उतार के ले आया था ये। जी जी जी। ये हमने इसमें कर रखा है, वो जो हमने जो टीन डलवाई थी वो सीमेंटेड है क्योंकि वो ठंडी रहती है। नहीं, उसमें भी काफ़ी एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं, और पहले भी ये चीज़ मैंने बताई है अपने चैनल पे कि जो शेड होता है जिसमें एनिमल हमारा लाइफ स्टॉक रहता है, वो हमें सीमेंट की चादर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑल वेदर कंडीशन में वो कामयाब है। ठीक है ना जी जी। आपके थोड़े गोट्स भी देखेंगे जो आपके पास इतने शानदार ब्रीडर्स हैं जी, और काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छी हाइट है इनकी, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बैठे बैठे दिखा देंगे दोस्तों को। आई जी। तो सर जैसे प्रॉफिट की बात चल रही थी कि आपने स्वाद लिया हुआ है उस प्रॉफिट का, तब आपने यहाँ पे इतना इन्वेस्ट करा जी। फिगर्स की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एस्टिमेट लगाना मुश्किल हो जाएगा भाई कितना आपने इन्वेस्ट करा हुआ है। एक्चुअली इसका तो नहीं लगा पाएंगे जी जी, मैं खुद मालिक हूँ, खुद अपने फ्री हूँ काम के लिए, और किसी भी अच्छी कंपनी से तनख्वाह जो मिलती है उससे अच्छा कमा लेता हूँ मैं जी जी। हाँ, तो प्रॉफिट मेरे को बहुत अच्छा है इसके अंदर जी। प्रॉफिट अच्छा हो तभी तो मैंने इसको वहाँ से छोटे स्केल से बड़ा स्केल पे करा जी जी, क्योंकि अब हर आदमी बढ़ना चाहता है और मेरी भी इच्छा थी बढ़ने की, तो मैंने अब यहाँ पर ये लैंड भी इतनी ली है, बनाने पे भी इतना खर्च किया है जी, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करोगे तो सिर्फ आदमी पैसे के लिए करता है जी 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 जी। हाँ जी बिल्कुल। और मैं यहाँ पर दिखा दूँ, ये इनके ब्रीडर्स हैं, ये कितने ब्रीडर अभी यहाँ पर? हम एक्चुअली इतनी गोट पे 4 ब्रीड तो रखते हैं। अच्छा। क्योंकि ब्रीडर को एक्स्ट्रा रखना भी ज़रूरी है क्योंकि इतनी सारी गोट है मेरे पास में, तो कोई ना कोई लगाए रखते हैं जी जी। और थोड़ा रेस्ट भी देना चाहिए ब्रीडर को जी जी। ये नहीं कि उसको करें, तो 2-3 ब्रीडर लगे रहते हैं, 2-3 हम जो ना 2 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अच्छा, ये बात बताइए साल में कितने बच्चे होते हैं आपके यहाँ पे टोटल? देखो सर, इसकी जो रेशो है वैसे तो 2-3 बच्चे तक देती हैं ये। अच्छा। हाँ, और अगर आप देखना चाहें तो हम ज़्यादा नहीं पकड़ते, हम साल के 3 बच्चे पकड़ते हैं जी, 14 महीने के हम 3 बच्चे पकड़ते हैं और इतना ही रेशो बनता है इनका। तो क्या मतलब इसमें आप बड़ा करके उसे बेचते हैं, ईद के लिए भी तैयार कर रहे हैं आप? ठीक है, सीजन भी आने वाला है और, है ना, और मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर रेडी भी हैं। हाँ, और आप दिल्ली के पास भी हैं, अगर ये वीडियो भाई के पास पहुँच रही है जिनको ईद के लिए गोट चाहिए तो मैं इनका नंबर दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ पर इनके फार्म पर भी आ सकते हैं। और बाकी क्या आपको बच जाता है, बच्चे 3 बच्चे एक बकरी दे रही है तो क्या उसमें बच जाता है आपको? देखो सर, अब बचने का तो मैं आपको बताऊं कि हम एक बच्चे का खर्चा, क्योंकि हम जो बच्चा बेचते हैं जी, वो बच्चा 4 महीने का करके बेचते हैं, दूध से हम छुड़ा के वैक्सीनेटेड करके तब बच्चा आगे निकालते हैं, और मैक्सिमम तो हम 2 बच्चे का प्रॉफिट मान के चलते हैं, 2 बच्चे का प्रॉफिट आना चाहिए जी जी हमें, क्योंकि 1 बच्चे का प्रॉफिट वो बकरी खा जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 भी ना मानो तो 1 तो हम पकड़ के चलते हैं, 1 बच्चे का, और 1 बच्चे की कीमत आज के टाइम पे 10-12 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार रुपये की आपको 1 बकरी पे बचत है जी जी, है ना जी। और आपके पास यहाँ पे अभी 100 बकरियाँ हैं। हाँ, है ना, बाकी सारे गोट्स हैं, मतलब मेल गोट्स, मेल गोट्स हैं जी जी, जो खस्सी हैं कुर्बानी के लिए हैं जी, कुछ ब्रीडिंग के लिए हैं जी जी। क्योंकि जब हमारे पास में जैसे कस्टमर आते हैं, 10 बकरी चाहिए, 15 बकरी चाहिए, तो साथ में ब्रीडर तो देना पड़ेगा हमें। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं जी, सबसे मिनिमम कॉस्टिंग पे बता रहे हैं, क्योंकि आप 1 बच्चे की बात कर रहे हैं साल में जी, और आप 10-12 हज़ार का बच्चा बेच लेते हैं, तो 10-12 लाख का मैं मानता हूँ कि आप यहाँ पे कर लेते हैं, इससे ऊपर पहुँच जाता है, पहुँच जाता है। हाँ। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे इस जो लाइफ स्टॉक का जो काम होता है उसमें सबसे मुश्किल होती है मार्केटिंग, ठीक है, क्योंकि इनकी कोई फिक्स मंडी नहीं होती और सीजन पर डिपेंड करती है, आप कैसे
करते हैं मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग राजस्थान भी रहे हैं आपने, वहाँ पे भी काम किया है। मार्केटिंग के लिए देखिए, एक तो पहले किसी भी आप एरिया में पहुंचे तो वहाँ कॉन्सेप्ट अलग चेंज करके लाना चाहिए। अब जैसे हमने सिरोही का कॉन्सेप्ट किया, सोजत पे किया है, यहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, पहले नहीं है, अब हमने यहाँ पर करा है। तो मार्केटिंग लोग बाग देखने आते हैं, सोजत सिरोही ब्रीड क्या होती है, क्या बकरी होती है जी, इसमें आते हैं जी जी। दूसरा जैसे मेरे पुराने ग्रुप जुड़े हुए थे वहाँ से, जो मेरे पास में यूपी के ले जाते थे, वहाँ से ले जाते थे, वो सब चीज़ें हैं जो लिंक में थे लोग, हाँ, हाँ, वो भी। तो कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ आपका राजस्थान से यहाँ आना और इस ब्रीड को लेके आना जी। मैं सोच रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि लोग राजस्थान न जाके आपके पास यहाँ यूपी में एक बार आएंगे। देखिए, ये कहीं ना कहीं सोच, हमने यहाँ का जितना भी सेटअप किया वो इस तरीके से किया हुआ है कि कॉस्ट तकरीबन अजमेर से या राजस्थान से मिलती हुई कॉस्ट पे ऊपर ये काम है, ये सारा ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगी लोगों, ट्रांसपोर्टेशन बचती है। 550 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से अजमेर, हाँ जी 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 जी। 20,000 रुपये पिकअप लेती है लाने के, और हमने यहाँ जो कर रखा है हमने इनकी कॉस्ट पे, क्योंकि सारा चारा हमारा राजस्थान से आता है, हम उस चारे को सीजन में लेके स्टॉक करते हैं, ये नहीं किसी से करवा के करा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में देवेंद्र जी, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना इतना शानदार फार्म दिखाया, और जो गोट फार्मिंग की जो अभी वर्तमान में जो चल रही है स्थिति, उसके बारे में हमें रूबरू कराया। मैं आशा करता हूँ आपको उनका फार्म पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है उसे भी फॉलो कर लेना। ऋषि भाई को दिल्ली NCR के पास, क्योंकि हापुड़ ज़्यादा दूर नहीं दिल्ली से, ऋषि भाई को यहाँ पर आना हो, सर से मिलना हो, तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनसे मिल सकते हो। हाँ, रात के टाइम मैंने फोन मत करना, क्योंकि रात को नींद लेनी बहुत जरूरी है आदमी को। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।